आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से खबर है जहां रेलवे कर्मचारियों ने किया है प्रदर्शन। डीआरएम ऑफिस के बाहर चल रहा है ये विरोध प्रदर्शन। गर्मी में ऑफिस में कूलर नहीं लगने पर कर्मचारियों में गुस्सा है और गर्मी क्योंकि अपने चरम पर है और ऐसे में लोग परेशान होते हैं वैसे ही गर्मियों में, लेकिन यहां देखने को मिला है जब रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हमारे तमाम साथियों को कि यूनियन की तरफ से हम इनको टेंट से कूलर लाकर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और एनडब्ल्यूआरओ के महेंद्र व्यास जी हमारे साथ हैं। आज अकाउंट्स और पूरा डीआरएम ऑफिस के एक बार पहले आंदोलन किया, उसके बावजूद भी कूलर नहीं लगे हैं। अब जो कर्मचारियों ने अपने समय के पैसे से जो कूलर लगाए उसको भी हटवा दिए गए हैं और रेल प्रशासन इस कार्य में बिल्कुल विफल रहा है। एक महीना और 10 दिन ऊपर हो गया है, 15 अप्रैल तक कूलर लग जाने चाहिए। अब हमने कर्मचारी को एसी की डिमांड है और एसी की डिमांड रेलवे बोर्ड से पारित हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये कानों में रेंग रही है, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे हैं। और हमने इनको अब कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि अगर सोमवार तक कूलर नहीं लगा, सोमवार तक दोनों संगठन मिल करके अतिशीघ्र टेंट हाउस से मंगा के कूलर अपने पैसे से खर्चे से लगवाएंगे हम, और हम उसको पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर डीआरएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। राकेश भारद्वाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे ज्यादा अपडेट के लिए। राकेश, रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है क्योंकि उनके ऑफिस में इस भीषण गर्मी में कूलर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जाहिर तौर पर ये तो लाजमी है कि उनका गुस्सा होगा ही, लेकिन क्यों आखिर ये अव्यवस्था देखी जा रही है? देखिए, जिस तरीके से भीषण गर्मी का दौर सोहरी नगरी जोधपुर सहित पूरे राजस्थान में है, ऐसे में रेलवे संगठनों की ओर से जिस गर्मी के दौरान जो है ऑफिस में कूलर और एसी की जिस तरीके से डिमांड की गई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी उस डिमांड के चलते कहीं ना कहीं मंजूरी जरूर दी, लेकिन अभी तक जो है वो व्यवस्थाएं ऑफिस में नहीं हो पाई है। ऐसे में कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से लगातार डीआरएम से कूलर और एसी लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन एसी तो छोड़िए, अब उनके लिए कूलर की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं हो पाई। ऐसे में आज रेलवे के कर्मचारी आक्रोशित हो गए और उन्होंने आक्रोशित होकर डीआरएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है, अल्टीमेटम दिया है सोमवार तक के, अगर सोमवार तक रेलवे की ओर से व्यवस्था नहीं की गई तो आखिरकार मजबूरन इन्हें टेंट हाउस से कूलर जो है वो किराए पर लाकर अपने व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी के दौरान ऑफिस में बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार प्रदर्शन उनका जारी है और ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर सोमवार तक यहाँ पर कूलर की व्यवस्था नहीं होती है तो वो खुद जाकर टेंट हाउस से यहाँ पर अपने लिए कूलर की व्यवस्था करेंगे, किराए पर लाएंगे। लेकिन फिलहाल रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और लगातार प्रदर्शन जारी है और इस भीषण गर्मी में वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसका कोई समाधान नहीं है।